Hello students, let's start with our next topic from the unit 1. Unit 1 से मैंने e-commerce का आपको meaning and features and difference between e-commerce and traditional commerce वो मैंने explain कर दिया था. Next जो है हम needs, types of e-commerce और e-commerce के लिए क्या requirements होती हैं एक businessman के लिए, तो वो सब देखेंगे हम. नीड ऑफ़ ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे क्या बहुत टाइम से ये पहले से स्टार्ट हो गया है क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, लोग बिजी ज़्यादा हो गए हैं, लोगों के पास टाइम नहीं इतना मार्केट जाने का, या फिर वो एक तरीके से पूरा हब चाहते हैं जहाँ पे उन्हें सारी अवेलेबिलिटी हो जाए ऑफ द प्रोडक्ट्स की विद सिंगल टच के साथ. ठीक है, हम चाहते हैं कि एक सिंगल टच के साथ हम घर बैठे बैठे ये चीज़ मंगा लें, ये ऑर्डर कर लें, या ये भी मिल जाए हमें. तो नीड ऑफ ई कॉमर्स कैसे राइज हुई, फर्स्ट था दैट इज़ द कॉम्पिटिशन. क्योंकि अब देखो हर किसी ने अगर शॉप खोल ली थी, सब ने बिजनेस करने बैठने आया था मार्केट में तो ऑलरेडी 10 शॉप्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश होगा या रन करेगा या सक्सेस करेगा. तो इसलिए कुछ समथिंग डिफरेंट करने के लिए, दूसरों से अलग जाने के लिए, कॉम्पिटिशन को अपने कम करने के लिए, या आप कह सकते हो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ता है. तो इसलिए ऐसे स्टार्ट हुई उसकी हल्के हल्के कि कुछ बिजनेस ने अपना प्रोडक्ट जो सेल करना स्टार्ट करा वो ऑनलाइन स्टार्ट करा. ठीक है, अब उसके लिए देखो फिर बीच में क्या आया, एक अमेजॉन प्लेटफॉर्म आया जहाँ पे उसने डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट शोकेस करिए और कस्टमर कहीं पे भी होगा तो वो आपका प्रोडक्ट देखेगा और ऑर्डर करेगा, तो आप उसकी डिलीवरी कर सकते हैं प्रोडक्ट की. ठीक है, इवन चीपेस्ट प्रोडक्ट और महंगे से महंगा प्रोडक्ट, आप कोई भी अगर किचन वेयर हो, टॉयलेटरीज से रिलेटेड हो, या आपका पर्सनल केयर से रिलेटेड हो, खाने पीने का आइटम कुछ भी हो, एक्सरसाइज हो, वो सब चीज़ मिल रही है. दैट इज़ एक रीज़न था ई कॉमर्स के डेवलप होने का, दैट वॉज कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट था ग्लोबल रीच. ग्लोबल रीच मतलब अपनी एक रीच को बढ़ाने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना इंस्टाग्राम पे अपनी रीच बढ़ाना है कि लोग हमें देखें, वैसे ही एक जगह हमें लिमिट नहीं रहना था कि हम सिर्फ लिमिट में ही बिजनेस नहीं करेंगे या सिर्फ यूपी में ही बिजनेस नहीं करेंगे, वी वॉन्ट टू डू बिजनेस ऑल ओवर द कंट्री. तो इसलिए ऐसे ग्लोबल रीच बढ़ाने के लिए जहाँ हम हर वक्त अवेलेबल हो सकते हैं, कस्टमर कहीं से भी डिमांड कर सकता है प्रोडक्ट या ऑर्डर कर सकता है, तो उसके लिए ई कॉमर्स बेस्ट ऑप्शन था. नेक्स्ट है कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. अब कस्टमर को हम सर्विस कैसे प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ई कॉमर्स में आप ये देखिए लोगों को हमने बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी हैं, लोगों को ऑप्शंस भी दिए हैं. जैसे ऑप्शंस कैसे दिए हैं कि अगर आप अब देखो थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी हर किसी की होती है मार्केटिंग में कि आप इतने तक का प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो इसमें आपकी डिलीवरी फ्री जाएगी. तो क्या है, एक तरह से हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस नहीं ले रहे हैं, या फिर आपको इतने तक का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके साथ एक छोटा सा हम गिफ्ट ऑफर कर रहे हैं. तो पैकेजिंग से रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड, या उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद जो हम उनका फीडबैक लेते हैं कि प्रोडक्ट सही से पहुँचा नहीं पहुँचा, उनसे फोटोज मांगते हैं, या कुछ भी एक्स वाई जेड होता है, अगर मान लीजिए डैमेज प्रोडक्ट पहुँच जाता है तो अमेज़ॉन की क्या ड्यूटी बनती है, क्या करता है वो कि आपसे फोटोज मांगता है ऑफ द डैमेज प्रोडक्ट, और अगर वो वेरीफाइड हो जाता है तो वो उसका आपका मनी रिटर्न कर देते हैं, या फिर अमेज़ॉन अपनी तरफ से जो है प्रोडक्ट एक और भेजता है. तो वो क्या, कस्टमर सर्विस जो है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल वन से ज़्यादा अच्छी सुपीरियर दे रहे हैं. नेक्स्ट है दैट इज़ द वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन किसके लिए है, कस्टमर या कंज्यूमर के लिए वैल्यू एड, मतलब हम उनको वैल्यू ऐड कर रहे हैं. कैसे वैल्यू ऐड करवा रहे हैं, आप देखिए आप कहीं जा रहे हैं अगर प्रोडक्ट पे डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा है तो आप देखिए कुछ प्रोडक्ट आज का टाइम ऐसा है क्योंकि हर कोई ऑनलाइन जा रहा है तो थोड़ी सी स्लाइटली इन्फ्लेशन हो गया है ऑनलाइन पे भी, क्योंकि लोग अब ट्रेडिशनल से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं. ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट भी बढ़ गया है, लोगों को अच्छा भी लगने लगा है, अदरवाइज़ पहले इतना नहीं था तो लोगों को प्रोडक्ट था मार्केट से बहुत ज़्यादा चीप मिल जाता था ऑनलाइन, और अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मार्केट रेट से ऑनलाइन रेट में बहुत चीप पड़ता है. ठीक है, तो इसीलिए एक वैल्यू एडिशन हो गया कि लोगों को इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट मिल रहा है या चीप प्रोडक्ट मिल रहा है,
और प्लस ये है कि वो हर स्टेज की ट्रैक कर सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है, मैन्युफैक्चरर से कहाँ, कब निकला, कब पहुँचेगा और कब उनको मिल जाएगा। इवन दे आर गेटिंग नोटिफिकेशन कि आज उनका प्रोडक्ट उनको डिलीवर हो जाएगा, और डिलीवर होने के बाद भी उन्हें नोटिफिकेशन मिल रहा है। तो ये क्या है, सब वैल्यू ऐड करने वाली चीज़ें हैं टू द कंज्यूमर या कस्टमर के लिए, ठीक है। लास्ट फिफ्थ चीज़ जो थी, जो नीड जिसकी वजह से रेज हुई हमारी ई कॉमर्स की, दैट वॉज अ नेटिश प्रोडक्ट। नेटिश प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जो कम्प्लीटली नेट के थ्रू काम करते हैं, इंटरनेट के थ्रू काम करेंगे। जैसे हमारे ई मेल्स होते हैं, ई ग्रीटिंग्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ई मैसेजेस कर देना व्हाट्सएप पे, ई वेडिंग कार्ड हम भेज देते हैं, इन्विटेशन कार्ड भेज देते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर इवन हुआ जैसे हम लोग एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं, या कोई रीडर पीडीएफ रीडर डाउनलोड कर लेते हैं लैपटॉप के लिए या मोबाइल के लिए ऐप्स डाउनलोड करते हैं, तो कम्प्लीटली दे आर द नेटिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे वो रन ही नेट के थ्रू होंगे, इंटरनेट के थ्रू होंगे और परचेज ही वो नेट के थ्रू किए जाएंगे, तो दैट इज नेटिश प्रोडक्ट, ठीक है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं हमारे ई कॉमर्स को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी बिजनेस मैन को या बिजनेस पर्सन को अगर ई कॉमर्स में आना हो तो उन्हें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, वो उन्होंने यहाँ पे बता रखा है रिक्वायरमेंट में। पहला है दैट इज़ द क्लाइंट और अ पीसी स्टेशन, मतलब एक लैपटॉप एक कंप्यूटर तो आपको चाहिए ही चाहिए, मोबाइल से पूरा काम नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत हमें कुछ कभी कभार सॉफ्टवेयर बिलिंग या ऑर्डरिंग से रिलेटेड हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मोबाइल कैन नॉट बी दैट मच यूजफुल। तो इसीलिए हर एक बिजनेसमैन को या बिजनेस पर्सन को पीसी स्टेशन मींस या तो देयर पर्सनल कंप्यूटर रिक्वायर्ड होगा ही होगा, ठीक है, जिसमें वो सारी चीज़ अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उन्हें चाहिए होगा दैट इज़ द ट्रांजेक्शन सर्वर। अब एक ऐसा सर्वर चाहिए होगा जो सारे ट्रांजेक्शंस, कब ऑर्डर आया, किसको ऑर्डर आया, कहाँ से ऑर्डर आया है, कब डिलीवर, कितने दिन में डिलीवर कहाँ हो जाएगा, किसकी क्या डिलीवरी, हर एक चीज़ का जो रिकॉर्ड रखना होगा वो ट्रांजेक्शन सर्वर रखेगा, ठीक है। तो क्या, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट इज़ यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन करने में हमें हेल्प करेगा, दैट वो रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंप्यूटर ऑफ टेली सेल्स पर्सन और द वेब इंटरफेस ऑफ एन ऑनलाइन बैंक। अब बैंक में जाते हैं ना तो उनके पास उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, उसमें सिर्फ अकाउंट नंबर डालते हैं, आपके पूरे अकाउंट की डिटेल्स आ जाती है। ये अगर हम बात करें जब काउंटर पे जाते हैं बिलिंग कराने के लिए, तो उसको क्या करना होता है, बस वो बार कोड स्कैन कराते हैं, पूरे प्रोडक्ट की डिटेल्स, प्राइस वगैरह सब आ जाता है। ट्रांजेक्शन को जो प्रमोट करता है वो एक ट्रांजेक्शन सर्वर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर जिसकी अगर हम बात करें, ठीक है। तीसरी चीज़ जो चाहिए उन्हें डेटाबेस सर्वर चाहिए। डेटाबेस सर्वर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका काम होगा सिर्फ डेटाबेस को मेंटेन करना, ये डेटा जिसे हम DBS बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेटाबेस आपका स्टोर करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा और वो हेल्प करेगा ताकि जो लैंड ट्रैफिक होता है हमारा उसको रिड्यूस करने के लिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम जो होगा वो डेटाबेस सर्वर, मतलब हर तरह की इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से रिलेटेड, उसके एड्रेस से रिलेटेड, उसके ऑर्डर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाएगी वो डेटाबेस सर्वर करेगा, ठीक है। फोर्थ चीज़ जो चाहिए होगी हमें दैट इज़ द डेटाबेस ट्रांजेक्शन करने के लिए। ट्रांजेक्शन, अब ये क्या चीज़ है, discrete series of actions that must be either completely processed or not processed at all, उसका जो record होगा, that is some call a transaction a unit of work as a way of further emphasizing its all or nothing nature. Database transaction means एक तो हो गया हम data record कर रहे हैं, plus जैसे उसमें कभी कभार आता है ना योर ऑर्डर इज इन प्रोसेसिंग, शिपमेंट में आ गया, वो चीज़ जो है वो उसका ट्रांजेक्शन का, प्रोडक्ट के हर एक चीज़ का ट्रांजेक्शन का, कि वो प्रोसेस हो गया है नहीं हुआ है, एक्टिविटी हो गई नहीं हो गई है, या कंफर्म आपका ऑर्डर हो गया है कि नेक्स्ट स्टेप। अगर आपने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का अगर भरा हो तो जैसे स्टेप वन करके लिखा होता है वो पूरा काम हो गया, फिर कहते हैं वो इंडिकेट करते हैं स्टेप टू की तरफ, स्टेप थ्री की तरफ, मतलब क्या है वो पूरी एक चीज़ के लिए प्रोसेसिंग हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो वो उसको भी बता रहा है कि ये प्रोसेसिंग इज़ इनकम्प्लीट है, या पेमेंट इज़ इनकम्प्लीट है, या ऑर्डर इज नॉट कन्फर्म्ड नहीं है, वो जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है वो आपका डेटाबेस ट्रांजेक्शन एक मेंटेन करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका एक चाहिए होगा फिफ्थ है जो राउटर। राउटर मतलब एक तरीके से समझ लो जो रूट बताता है या रास्ता बताएगा ऑनलाइन तरीका कि किस
कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन से क्लाइंट के पास जाएगी। अब आपको मैं एग्जांपल दूँ, अगर हम लोग जैसे अमेज़ॉन ओपन करते हैं, मुझे मान लिए हेयर ड्रायर चाहिए, तो अब मैं खोलते ही तो हेयर ड्रायर मुझे दिख नहीं जाएगा। मैं जैसे ही ऊपर सर्च का एक ऑप्शन है उसमें मैं डालती हूँ कि फिलिप्स हेयर ड्रायर, तो वो मुझे सिर्फ हेयर ड्रायर ही दिखाएगा, वॉशिंग मशीन तो दिखाएगा नहीं। तो राउटर क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, मतलब हमारे पास अगर 10 प्रोडक्ट है और क्लाइंट ने जिस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मांगी है, ये फोटोज देखनी है, वो इन्फॉर्मेशन वो उसी क्लाइंट तक को पहुँचाएगा। तो उसका काम क्या होता है राउटर का, एक तो ये है कि इट स्टॉप्स द इन्फॉर्मेशन एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गोइंग वेयर इट इज़ नॉट नीडेड, मतलब जहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं जानी है वहाँ नहीं जानी चाहिए, जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही हम भेजेंगे। तो एक तो रोकने का काम और सही इन्फॉर्मेशन सही जगह पहुँचने का काम राउटर का होता है, ठीक है। और सिक्स चीज़ जो चाहिए होगा, एक हमारे इंटरनेट कम्युनिकेशन लाइन, डेफिनेटली आपको या तो एक जो वाईफाई कनेक्शन कह लीजिए या कोई कंप्यूटर से कोई भी एक मीडियम के थ्रू जिससे आपका इंटरनेट कनेक्ट हो सके, नेट चल सके आपका कंप्यूटर में, वो आपको इंटरनेट कम्युनिकेशन लाइन चाहिए, जिसको हम लोग जैसे PNT से ब्रॉडबैंड भी हो सकता है आपका, ब्रॉडबैंड से ले सकते हो, वाईफाई से ले सकते हो, कोई अगर और अदर नेट की सर्विस फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है तो वो आप ले सकते हो, कुछ भी हो XYZ, बट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तभी बाकी ये सारी चीज़ें आपकी रन करेंगी। तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो आपको ई कॉमर्स के लिए चाहिए होंगी। अब नेक्स्ट आता है कि ई कॉमर्स आपका काम कैसे करता है, काम कैसे करेगा। आपने एक इंटरनेट पोर्टल, एक वेबसाइट बना रखी है, ठीक है, जिसपे ऑनलाइन कस्टमर आपके जाके क्लिक करता है और वैसी इन्फॉर्मेशन या जो आपके पास रिक्वेस्ट वगैरह जाती है, मर्चेंट वेबसाइट मतलब जो सेलर है या बिजनेसमैन है उसके पास जाती है। फिर एक फायरवॉल लगा हुआ है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगा, थेफ्ट चोरी वगैरह या जो वायरसेस होते हैं उनको रोकेगा। फिर वेब सर्वर अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस, और ऐसे आपकी प्रोसेसिंग होती है नेटवर्क की, कनेक्शन की। तो कैसे काम करता है ई कॉमर्स में, फर्स्ट स्टेप आता है दैट द कंज्यूमर लॉग इन टू द इंटरनेट यूजिंग अ वेब ब्राउजर टू कनेक्ट टू द कंपनीज वेबसाइट। आप गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हो, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हो, ब्राउजर कोई भी ब्राउजर यूज़ कर सकते हो। उस ब्राउजर के थ्रू हम क्या करते हैं, कंपनी के वेबसाइट का नाम डालते हैं। अगर डायरेक्टली हमें कंपनी का खरीदना है तो कंपनी की वेबसाइट से जाओ, नहीं तो कोई ऐप इंस्टॉल होती है, जैसे आजकल के टाइम की अगर हम बात करें तो ऐप्स इंस्टॉल है, तो हम उस ऐप को ओपन करेंगे। स्टेप टू है दैट इज़ अ फायरवॉल। फायरवॉल का काम होता है वो कंपनी के कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी फ्रॉड, कोई भी स्कैम या कोई जो हैकर है, अगर वो कुछ वायरस या कोई भी गलत एक्टिविटी कर रहा होगा तो उसको वो प्रोटेक्ट करेगा, उसकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करेगा, तो वो फायरवॉल का काम होता है। थर्ड स्टेप जो आता है दैट इज़ द कंज्यूमर ब्राउजेस द प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अब जो कंपनी ने वेबसाइट अपनी प्रोडक्ट की बना रखी है, हम ब्राउज करते हैं। ब्राउज करने का मतलब जब हम स्क्रॉलिंग करते हैं ना कि कंपनी के पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने प्राइस का है, दैट इज़ नोन एज ब्राउजिंग करना, ठीक है। और उसमें से फिर हम क्या करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट सही लगता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं और ऐड टू कार्ट करते हैं हर उसमें वेबसाइट में, और आपको उसमें ऑप्शन मिल जाएगा ऐप में कि जो प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो उसको हम कार्ट में या शॉपिंग कार्ट जिसको बोलते हैं उसमें ऐड करते रहते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कंज्यूमर प्रोवाइड्स अ बिल। तो कंज्यूमर जब वो कार्ट में अपने प्रोडक्ट ऐड कर देता है तो उसको नीचे टोटल अप मिलता रहता है कि अब आपने इतने आइटम्स ऐड कर लिया और इसका टोटल ये होता गया। तो बिलिंग, अगर उसमें शिपिंग लग रहा है तो शिपिंग चार्जेस वगैरह सब चीज़ें आएंगे। और उसके बाद ऑप्शन आता है पे करने का, और पे आप तब करते हो जब आप, अगर वेबसाइट है तो उसमें आपको लॉगिन करना पड़ता है, जैसे आप सब, ये तो सब बेसिक चीज़ें आप सब जानते ही होंगे, वेबसाइट में हमें लॉगिन करना पड़ता है जिसमें हम अपने एड्रेस वगैरह डालते हैं तो एड्रेस अपने आप अपडेट हो जाता है वहाँ पे। और फिर आपने कब परचेज किया है, कब डिलीवर होगा, कितने का प्रोडक्ट है, कितने डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट, इवन पेमेंट करने के ऑप्शंस भी मिलते हैं, जिसको हम पेमेंट गेटवे बोलते हैं। किसी में जैसे होता है सिर्फ नेट बैंकिंग से करना है तो उसी से करेंगे। अब जैसे अमेज़ॉन है तो अमेज़ॉन में आपका नेट बैंकिंग भी है, UPI भी है, अमेज़ॉन पे भी है, कार्ड से भी है, डेबिट कार्ड से भी है। तो डिफरेंट मेथड्स उन्होंने दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं पेमेंट करने के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे।
Next आता है web server handles the customer request, calculate the cost of order and takes care of taxes and display the details to the customer. अब ये सारी चीज़ें हो गई, product कब deliver होगा, purchase कब कितने का करा है, कहाँ address वगैरह सब चीज़ हो गई. उसके बाद web server क्या करता है, client मर्चेंट जो होता है उसके पास रिक्वेस्ट भेजता है कि कस्टमर ने ये प्रोडक्ट खरीदा है, इतने का है. फिर वो उस क्या करता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देता है मर्चेंट की जो साइट होती है. या ये प्रोडक्ट है मान लो 300 रुपये का, इसमें 40 रुपये शिपिंग चार्ज लग रहे हैं और 18 रुपये जो है टैक्स पे लग रहे हैं, तो टोटल आपका जो बिल बनेगा वो इतने का बनेगा. तो ये हो गई वेब सर्वर का काम. फिर कंज्यूमर प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ पेमेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है. अब सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसे क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, जिससे भी ऑप्शन में है वो वाला स्टेप ये आ गया. एंड आफ्टर 6 स्टेप जो होगा, दैट इज आफ्टर वैलिडेटिंग द क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या UPID वेरीफाई करने के बाद, वो क्या करता है, कंपनी को डेटा रिसीव हो जाता है कि इस कस्टमर ने इस के थ्रू ये प्रोडक्ट खरीदा है और इसके थ्रू वो प्रोडक्ट खरीद रहा है. मतलब UPI ID है तो हम UPI ID अपडेट करते हैं और फिर वहाँ से GPay से हम लोग कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, या भीम ऐप से अपडेट कर देते हैं. अमेज़ॉन पे है तो अमेज़ॉन पे हमारा लिंक होता है बैंक से, तो हम उससे पेमेंट कर देते हैं. जो भी मेथड आपने चूज़ किया है उसके थ्रू पेमेंट कर देते हैं. और फिर जो कॉमर्स सर्वर है आपका साइट, देन फॉरवर्ड्स द ऑर्डर टू अवर प्रोसेसिंग नेटवर्क फॉर द पेमेंट प्रोसेसिंग. अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैंने अगर कोई पेमेंट प्रोडक्ट खरीदा, किसी साइट से ख़रीदा और वहाँ पे UPI ID ऑप्शन दे रखा था कि आप UPI से अपना पेमेंट कर सकते हैं, तो मैंने वहाँ पे UPI डाला, तो वो UPI वहाँ का जो सर्वर होता है वो डायरेक्ट करता है, मतलब एक तरीके से इन्फॉर्मेशन भेज देता है GPay को कि ये रिक्वेस्ट आई है पेमेंट की. फिर मैं वहाँ से क्या करती हूँ, हमें बैक नहीं करना होता, हमें डायरेक्ट GPay खोलना होता है. GPay पे एक आपका नोटिफिकेशन पड़ा होगा कि यहाँ से एक रिक्वेस्ट आई है इतने पेमेंट की, फिर आप वहाँ पे उस आइकन को क्लिक करके पेमेंट करते हो. तो वो काम जो होता है वो आपका नेटवर्क प्रोसेसिंग का होता है ऑर्डर देने के बाद. तो ये आपका पूरा काम होता है ई कॉमर्स का ऐसे, ठीक है. 6 स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप है, आप सब जानते हो कि क्या कैसे काम होता है. एक्चुअली टॉपिक ये जो है ये तो बहुत पुराना है, अब तो आज बहुत टाइम हो गया कि पहले जब ये सब्जेक्ट यूजली आप 5 to 6 ईयर्स पहले की अगर हम बात करें तो लोग इतना नहीं जानते थे कि शॉपिंग कैसे करना है. नाउ तो एवरीवन इज़ यूज्ड टू हाउ टू ऑर्डर ऑनलाइन देयर प्रोडक्ट फ्रॉम द साइट और एन ऐप, तो इसलिए बेसिक चीज़ है, ठीक है. नेक्स्ट फ्रेमवर्क है, वो हम फ्रेमवर्क इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम ये नहीं करेंगे. उसके बाद हम आते हैं मेन एक्टिविटीज़ ऑफ ई कॉमर्स पे. तो मेन एक्टिविटीज़ क्या है ई कॉमर्स की, मार्केटिंग करना. डेफिनेटली हम मार्केटिंग करते हैं. आप ई कॉमर्स जब ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी ऐड भी तो करोगे, अपने प्रोडक्ट कंपनी प्रमोट भी तो करेंगे या बिजनेस प्रमोट भी तो करेंगे. अब चाहे हम यूट्यूब पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, किसी सोशल मीडिया पे कर रहे हो, तो अपने प्रमोट करना प्रोडक्ट के बारे में, या कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के पास पहुँचना, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना कि कंपनी क्या कर रही है, दैट इज़ मार्केटिंग. तो हम ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं मार्केटिंग करते हैं, सेल्स इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं. अब आप देखो दिवाली का टाइम हो, होली का टाइम हो, या इंडिपेंडेंस टाइम होता है, तो अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे कितनी सेल लगती है. तो दे आर, वो क्या टाइम होता है, व्हेन दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर सेल्स इंक्रीज कर रहे होते हैं वो. और कभी कभार वो लोग फेक सेल्स भी शो करते हैं या फेक डिस्काउंट शो करते हैं जस्ट टू इंक्रीज देयर सेल्स, ठीक है. तो वो सब फेयर है हम अपने बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए. नेक्स्ट है पेमेंट की बात करें. कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं होता है, या क्या कहना चाहिए, मतलब हमारे पास उतना मनी नहीं है पेमेंट करने के लिए. तो इस पेमेंट में अब जैसे वो कैसे हेल्प करेगा कि इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द बायर मीटिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द टर्म्स ऑफ सेल्स एंड एक्सचेंजिंग द मनी फॉर द प्रोडक्शन गुड्स. ये तो हम ट्रेडिशनल में भी करते थे, तो पेमेंट तो डेफिनेटली होता ही होता है. अब कभी कभार हमारे पास शॉर्टेज ऑफ मनी है, या हम चाहते हैं कि भाई बहुत दूर से मंगाना है बट हम वहाँ तक कैश नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो ई कॉमर्स हमें हेल्प करेगा उस पेमेंट करने का या ट्रांजेक्शन करने का. फुलफिलमेंट की बात करें तो बायर की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं. वो कैसे फुलफिल हो रही है, वो भाई
पूरी कंट्री के कोने में बैठ के वो साउथ से चीज़ें मंगा के खा सकता है, पहन सकता है, अगर उसे ड्रेस कोई पसंद है ये साउथ वाला कोई नॉर्थ की चीज़ मंगा सकता है, कोई भी एक्स वाई जेड हो। आप देखो, आप अमेज़ॉन से मंगाते हो या फ्लिपकार्ट कहीं से मंगाते हो, तो प्रोडक्ट की जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो प्रोडक्ट कहाँ से जब डिस्पैच होता है, स्टार्ट होता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट है। कहीं हरियाणा से हो रहा है, कहीं दिल्ली से होता है, कहीं बेंगलोर से होता है, कहीं केरला से होता है। तो बायर की नीड यहाँ पे फुलफिल हो रही है ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड और द नेशन। और लास्ट है, दैट इज़ द कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराना। कस्टमर को सर्विस मतलब उनको वैल्यू एड प्रोवाइड कराना, उनका सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराना, उनको हेल्प करना, कोई भी चीज़ चाहिए उनको बस पूरी पूरी। अब देखो, जो हम ट्रेडिशनल में अगर एक जो कमी थी वो थी कि कस्टमर सपोर्ट की, या उनकी कोई कंप्लेंट नहीं सुनने वाला था ऐसे ट्रेडिशनल में, वो चीज़ ऑनली कॉमर्स में उन्होंने एक अलग से प्रोवाइड कर रखी है, दैट इज़ द कस्टमर सपोर्ट। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इवन डैमेज प्रोडक्ट भी मिल रहा है, तो कंपनी जो है उसके लिए रिफंड भी कर देती है या कभी कभार कोई गिफ्ट आइटम दे देती है, दैट इज़ द कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर को पूरी तरीके से पूरा सर्विस, पूरा सपोर्ट मिल रहा है ई कॉमर्स में। नेक्स्ट ई टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।